यस बेटा, हमारा चैप्टर 5 स्टार्ट था। आज हमारा टॉपिक है सेविंग अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट्स को सेव कैसे करते हैं। देखिए, हमने क्रिएटेड डॉक्यूमेंट रीड कर लिया था, आज हम सेव करना सीखेंगे। यस, फॉलो द गिवन स्टेप। स्टेप फर्स्ट, क्लिक ऑन द फाइल टैब सेव ऑप्शन। सबसे पहले हमें कहाँ क्लिक करना है, फाइल टैब पर। इसके बाद अपने पास ऑप्शन आता है सेव, सेव पर हम क्लिक करेंगे। यस, स्टेप टू, द सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपेयर। देखिए, इसके बाद क्या होगा, ये सेव एज डायलॉग बॉक्स है, ये अपेयर हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये सेव करता है हमारे फाइल को एमएस वर्ड। जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन रहता है तब तक ये सेव रखता है, और अगर हमने सेव नहीं किया है तो वो क्या हो जाती है, डिलीट हो जाती है। वो टेम्परेरी मेमोरी में स्टोरेज रहती है, और अगर हम सेव करते हैं तो परमानेंट स्टोर हो जाता है वो। यस, स्टेप थ्री, टाइप द फाइल नेम इन द फाइल नेम बॉक्स। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, फाइल नेम टाइप करेंगे फाइल नेम बॉक्स में। स्टेप फोर, क्लिक ऑन द सेव बटन। सेव बटन पर क्लिक करेंगे और क्लिक ऑन द सेव बटन्स ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। और इसके बाद हम किस पर क्लिक करेंगे, सेव बटन एक्सेस टूल बार में। यस, यहाँ हमने नेम टाइप करा, इसके बाद हमने सेव पर क्लिक कर दिया। इससे हमारी फाइल क्या हो जाएगी, सेव। और इसके लिए हम डायरेक्ट ये विंडो ओपन करने के लिए हम शॉर्टकट की भी यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस एस। कीबोर्ड पर की होती है CTRL और एस की, अल्फ़ाबेट की। इस दोनों को हम एक साथ प्रेस करेंगे, इससे सेव एज की विंडो ओपन हो जाएगी। यस, एक सेव एज, यानी हमने कोई फाइल को पहले से सेव किया हुआ है और आज हमने उसमें कुछ न्यू वर्क करा है, तो उसको फाइल को वापस सेव करने के लिए, जो अभी प्रेजेंट आज ही हमने जो टुडे वर्क करा है उसको सेव करने के लिए हम F12 की प्रेस करेंगे, जिससे सेव एज की डायरेक्ट विंडो ओपन होगी और हम उस पर सेव पर क्लिक कर देंगे और हमारा जो आज का भी डाटा है उसमें क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। यस, ओपनिंग अ डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट को ओपन कैसे करते हैं, हमने कोई फाइल बना ली है लेकिन हमें नेक्स्ट टाइम में जब भी नेक्स्ट डे कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो हमें वो फाइल चाहिए, तो हम उसे ओपन कैसे करते हैं। द ओपन अ डॉक्यूमेंट फॉलो द गिवन स्टेप। डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए स्टेप्स देखेंगे। स्टेप फर्स्ट, क्लिक ऑन द फाइल टैब ओपन ऑप्शन। जैसे ही हमने सेव के लिए फाइल टैब पर क्लिक करा था तो हमारे पास ओपन का भी ऑप्शन आया था, जस्ट न्यू के अप साइड में ओपन ऑप्शन था। देखिए, ये रहा डाउन साइड में, सॉरी न्यू के, ये ओपन। ओपन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, अपने फाइल के नेम्स जो हो जाएंगे वहाँ पर कि आपको कौन सी फाइल को ओपन करना है, और वो ओपन हो जाएगा। द ओपन डायलॉग्स विल अपेयर। सेलेक्ट द फाइल व्हाट वी वांट टू ओपन, और फिर हम सेलेक्ट करेंगे हमें कौन सी फाइल ओपन करनी है। यस, क्लिक ऑन द ओपन बटन और क्लिक ऑन द ओपन बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। और ये तो हमने क्या करा, स्टेप बाय करा, और हम डायरेक्ट अगर ओपन करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस ओ। जैसे हमने सेव के लिए करा कंट्रोल प्लस एस, ऐसे ही कंट्रोल प्लस ओ जैसे ही क्लिक करेंगे लिस्ट ओपन हो जाएगी, और हमें कौन सी फाइल उसमें से ओपन करनी है उस पर हम क्लिक कर देंगे। यस, देखिए इस तरीके से ओपन की विंडो ओपन होगी। इसके बाद हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमारी जो फाइल है हमने कहाँ सेव करी है, डाउनलोड में करी है, डॉक्यूमेंट्स में करी है, पिक्चर्स में करी है, या फिर यहाँ पर हम अपने ड्राइव्स का एड्रेस भी देख सकते हैं कि किस ड्राइव में हमने अपने फाइल को सेव करा है। यहाँ से हम सेलेक्ट करके, और जो भी हमारी फाइल्स है जैसे ही हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे या यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, उस ड्राइव में या उस फोल्डर में जो भी फाइल्स है वो शो हो जाएंगे, और हमें जो ओपन करनी है उस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ ओपन का ऑप्शन होगा, इस ओपन पर क्लिक करेंगे और हमारी फाइल ओपन हो जाएगी। यस, ये तो हमने सीखा था सेव एंड ओपन करना। अब हम सीखेंगे क्लोज अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को क्लोज कैसे करते हैं। फॉलो द गिवन स्टेप, क्लिक ऑन द फाइल टैब क्लोज ऑप्शन। देखो, फाइल टैब क्लिक करा, फाइल टैब पर ऑप्शन आया क्लोज, इस पर क्लिक करेंगे। इफ़ द फाइल इज़ नॉट सेव्ड अ मैसेज बॉक्स विल अपेयर। अगर आपने अपनी फाइल को, जो भी आपने क्रिएट करी है उसको सेव नहीं करा है, तो आपको क्लोज करने से पहले वो क्या देगा, एक मैसेज देगा। मैसेज इस तरीके से होगा, वॉन्ट टू सी योर चेंज अ स्कूल एप्लीकेशन, इफ़ यू क्लिक डोंट सेव अ रिसेंट कॉपी of this file will be temporary available। यानी ये बोल रहा है कि अगर आपको सेव नहीं करना है तो ये temporary available रहेगी अभी few times है, जब तक आपका सिस्टम ऑफ नहीं होगा। और अगर आपको सेव करना है तो आप सेव पर क्लिक करेंगे, सेव पर क्लिक करने के बाद ये क्या कर देगा, वापस विंडो अपेयर कर देगा सेव की, या फिर आपको इसी बाय डिफ़ॉल्ट जिस भी नेम से आपने रखा हुआ है उस नेम से उसको क्या कर देगा, सेव कर देगा। तो ये अपनी फाइल क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। स्टेप 3,
3 क्लिक ऑन अ सेव इफ़ यू वॉन्ट टू सेव द फाइल। सेव पर क्लिक करेंगे अगर हम क्या करना चाहते हैं, अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं। इफ़ यू डू नॉट वॉन्ट टू सेव द चेंज सेलेक्ट डोंट सेव ऑप्शन। और अगर आप नहीं करना चाहते सेव तो डोंट सेव का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ये रहा डोंट सेव। इसके लिए हम शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं। शॉर्टकट की इज कंट्रोल प्लस डब्लू, कंट्रोल प्लस डब्लू करके इसे हम क्लोज कर सकते हैं फाइल को। तो देखिए बेटा आज हमने रीड करा है ओपनिंग अ डॉक्यूमेंट, सेव डॉक्यूमेंट एंड क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट्स। अब हम रीड करेंगे एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स को एडिट कैसे करते हैं। अब एडिट का मीन्स क्या होता है बेटा, जैसे डॉक्यूमेंट्स का फॉन्ट साइजेस चेंज करना, टेक्स्ट स्टाइल चेंज करना, कलरिंग चेंज करना एंड बेस चेंज करना, बैकग्राउंड चेंज करना, ये होता है फॉन्ट स्टाइल एडिटिंग इन टेक्स्ट। मेकिंग चेंज इन अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एडिटिंग। अगर हम किसी भी डॉक्यूमेंट में कुछ चेंज कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं एडिटिंग। टू परफॉर्म एडिटिंग वी शुड सेलेक्ट द टेक्स्ट फर्स्ट। सबसे पहले हमें जो भी टेक्स्ट को क्या करना है, एडिट करना है, उसे हम सेलेक्ट करेंगे। विदाउट सेलेक्ट हमारा टेक्स्ट एडिट नहीं होगा। सेलेक्टिंग टेक्स्ट, अब टेक्स्ट को कैसे सेलेक्ट करेंगे। वी कैन सेलेक्ट द पार्ट ऑफ टेक्स्ट और द होल टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू आर नीड। वी यूज़ बॉथ माउस एंड कीबोर्ड टू सेलेक्ट टेक्स्ट। अब देखिए हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग, जैसे अगर हमें माउस से सेलेक्ट करना है तो हम माउस से कर सकते हैं, कीबोर्ड से करना है तो कीबोर्ड से कर सकते हैं यूजिंग माउस। अब माउस को कैसे यूज़ करेंगे, टू सेलेक्ट अ सिंगल वर्ड डबल क्लिक द वर्ड। अगर हमें कोई सिंगल वर्ड ही सेलेक्ट करना है तो हम उस पर वर्ड पर आकर डबल क्लिक कर देंगे और वो सिंगल वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा, और जैसे ही सेलेक्ट होगा तो ब्लू हाईलाइट होगा वो। यस, टू सेलेक्ट अ सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ। अगर हमें सेंटेंस, कोई पैराग्राफ का सेंटेंस सेलेक्ट करना है तो प्लेस द माउस पॉइंटर बिफोर द फर्स्ट लेटर एंड ड्रैग द माउस बाय होल्डिंग डाउन द लेफ्ट माउस बटन आर द रिक्वायर्ड टेक्स्ट। अब अगर हमें किसी पैराग्राफ में कोई सेंटेंस सेलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, जैसे हमें इस सेंटेंस को सेलेक्ट करना है तो हमने यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करा माउस का और उसको रिलीज नहीं करा बटन को, और उसको ड्रैग करते हुए माउस को यहाँ से लेके गए जो फुल सेंटेंस है, जहाँ तक हमारा फिनिश करना है, हमें जहाँ तक उसे सेलेक्ट करना है वहाँ आकर उसे रिलीज कर देते हैं बटन को, और इससे क्या होगा, हमारे जितना भी टेक्स्ट हम सेलेक्ट करना चाहते थे वो सेलेक्ट हो जाएगा। यस, यूजिंग कीबोर्ड। अब कीबोर्ड को कैसे यूज़ करते हैं, कीबोर्ड का देखिए, एक तो हमें अगर फोल्ड जितना भी लॉन्ग डॉक्यूमेंट है उसे सेलेक्ट करना है तो हम कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस ए जैसे ही करेंगे तो हमारा सारा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। प्लेस द कर्सर बिफोर द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस ऑफ द वर्ड। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो हमारा टेक्स्ट है उसके फर्स्ट लेटर पर अपना कर्सर प्रेस करना होगा, यानी वहाँ पर लेके आना होगा, उस पोजीशन पर लेके आएंगे बेटा, प्रेस नहीं करेंगे उसे। हाउ, होल्ड डाउन शिफ्ट की, इसके बाद हम शिफ्ट की को होल्ड करेंगे, यानी शिफ्ट की को प्रेस करेंगे एंड प्रेस द राइट एरो की, और इसके बाद एरो की, जो राइट एरो की है उसको क्लिक करते जाएंगे, उसको जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो डिजायर पोजीशन ऑफ द टास्क और जितनी भी पोजीशन हमें सेलेक्ट करनी है वो सेलेक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम कीबोर्ड से सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके बेटा, आज हम इतना ही चैप्टर रीड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मूविंग टास्क। तो आप इसे अच्छे से रीड करना। थैंक यू।